ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं फिर 28 जुलाई की रिकॉर्डिंग, और दिल्ली में हैं, कुछ दिन दिल्ली में हैं। एंड जब तक हम यहाँ पर हैं तो दार्जिलिंग के नज़ारे तो दूर की बात है। दार्जिलिंग में तो बारिश हो रही है, दिल्ली में भी बारिश हो रही है। तो देखें आज परमपिता परमात्मा कहते क्या हैं आज के वरदान में। बाबा कहते हैं, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भवा। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन, विश्व की बात तो है लेकिन स्व परिवर्तन से परिवार परिवर्तन, आजू बाजू के लोग परिवर्तन, सिचुएशन परिवर्तन होती है। तो देखिए बाबा कहते हैं, आपका स्लोगन है बदलना, बदला ना लो बदल कर दिखाओ, बदला ना लो बदल कर दिखाओ। किसी ने 10 साल पहले, 15 साल पहले, 2 महीने पहले, 9 महीने पहले, 9 साल पहले, 9 दिन पहले कुछ कहा हो और आप उसका बदला ले रहे हो, इसका मतलब 9 दिन तक आप तड़प रहे थे, आपकी शांति भंग होगी। 9 साल तक आप तड़प रहे थे, आपकी शांति भंग होगी, खुशी भंग होगी उसी चीज़ को याद करते करते। इसका मतलब आपके अंदर सहन शक्ति की कमी है, खजाने की कमी है, प्रेम के खजाने की कमी है, सुख के खजाने की कमी है, समझ के खजाने की कमी है, विजडम के खजाने, विवेक के खजाने की कमी है, और आप अपने मन और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस चीज़ की भी कमी है, मतलब ज्ञान की कमी है, उसको भरपूर करना पड़ेगा, जो कि हम ब्रह्म कुमारीज में सीखते हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, मतलब ये व्यक्ति चेंज हो जाए मेरी लाइफ में, ये परिवार वाला व्यक्ति चेंज हो जाए, ये मेरा बॉस चेंज हो जाए, ये मेरा सबॉर्डिनेट चेंज हो जाए, या मेरी टीम मेंबर्स चेंज हो जाए तो मैं जीतूं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं। क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, कि आप इसको तो पहले चुप कराइए, मैं क्यों चुप हूं, ये मेरे को ऐसे से बोल के गया, मैं इसको क्यों ना सुनाऊं, ये समझता क्या अपने आप को। ये चीजें हो गई क्रोध और बदला। तो किसकी शांति गई ऐसे सोचने से? खुद की। परमात्मा कहते हैं अशांति चाहिए ना, ये अशांति चाहिए, शांति चाहिए कि अशांति चाहिए? अशांति चाहिए तो आप क्रोध करते रहो, सोचते रहो उसने क्या बोला, आप भी रिवेंज लो। शांति चाहिए चुप हो जाओ। उसके संस्कार उसके हैं, आपके संस्कार आपके हैं, उसके क्रोध के संस्कार है तो उसको अशांति है, आपको वो ट्रांसफर कर रहा है क्रोध आपको अशांत बनाने के लिए, आप मत लो। किसी से गिफ्ट लेना कोई जरूरी थोड़ा ना है, और स्पेशली क्रोध वाला गिफ्ट तो किसको पसंद आता है, सड़ा हुआ गिफ्ट। फिर परमात्मा कहते हैं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिट-खिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। यह सोचना ही रॉन्ग है। हमें सारी सिचुएशंस में रहते हुए, सबको अपना गुरु समझते हुए, कोई हमें पेशेंस सिखा रहा है, कोई हमें टॉलरेंस सिखा रहा है, कोई हमें नम्रता सिखा रहा है, धैर्यता सिखा रहा है, कोई सहनशीलता सिखा रहा है, कोई सादगी सिखा रहा है, कोई मधुरता सिखा रहा है, हमें ये सारे गुरु मिले हुए हैं आजू बाजू, चाहे फिर वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके वो टीम मेम्बर्स हों, चाहे आपके बॉस हों, चाहे आपके वो जूनियर्स हों, सब आपको कुछ अच्छे गुण सिखाने के लिए आपके आजू बाजू हैं। ये एटीट्यूड सही है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए स्व खजान, सर्व खजानों के मालिकपन, समय प्रमाण, खजानों को कार्य में लगाओ। अभी खजाने क्या हैं? विजडम, जो कि हम 70 कोर्स में सीखते हैं और मुरली हमारे दिन पढ़ते हैं, ऐसे तो वरदान तो मिलते हैं हमें पढ़ने के लिए, इसके साथ में और भी नॉलेज होती है जो कि इसके ऊपर होती है। चूँकि हम हर दिन 45 मिनट्स या हाफ एन आवर हम पढ़ते हैं, ताकि हमारा मन बुद्धि एकाग्र रहे और हम सही रास्ते पर चलते रहें, ताकि कोई भी व्यक्ति आए क्रोध करने वाला, हमसे बदला लेने वाला, बेइज्जती करने वाला, अच्छा बुरा बोलने वाला, धन का बदला लेने वाला, हम उसको कैसे निपटें। उसको निपटना मतलब उसको पंगा नहीं लेना, उससे रिवेंज नहीं लेना, उसको बदलने की कोशिश नहीं करना, हम कैसे निपटें अपने आप को चेंज करके, ये चीज़ हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारीज में, जिससे कि हमारा मन शांत रहता है, एकाग्र रहता है, सुखी रहता है और आनंदमय रहता है हमेशा। इसी के साथ ओम शांति।